मैं अमित सिंघानिया। आज हम लोग 2023 के बजट के लिए कुछ प्रोफेशनल्स, बड़े स्पीकर्स जिसमें गिरीश आहूजा साहब, धर्मेंद्र कुमार जी सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उस पर काफ़ी चर्चा करी और इस बजट के जो नए चेंजेस हैं, कुछ अच्छे कुछ ख़राब, उन पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ समझा और एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। मैं अमित अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट लखनऊ। जैसे कि बजट में बहुत सारे ऐसे प्राविधान हैं जिनको हम लोग बाद में समझते हैं, तुरंत उसकी ऊपर रिएक्ट करना ठीक नहीं रहता, तो अब वो प्राविधान हम लोग समझ के ताकि अपने क्लाइंट्स को उसको उस प्रकार से उसको हेल्प कर सके, उसको गाइड कर सके, ये हम लोग ने डिटेल में चर्चा करी। गिरीश आहूजा जी जो हमारे एक तरह से CA प्रोफेशन के बीच पितामह हैं टैक्सेशन के मामले में, डायरेक्ट टैक्स, उन्होंने उस पर बहुत ही गहराई से प्रकाश डाला और बताया कि ये जो भी प्रोविज़न, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ये जो बजट आया है और डेफिनेटली हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा एक सपना है वो पूरा होगा। मैं CA विवेक मेहरोत्रा, आज के मैं मीटिंग या आज कॉन्फ्रेंस के लिए ये बोलना चाहूँगा। एक्चुअली ये एनुअल फंक्शन है, जो एनुअल एक प्रोग्राम होता है जो बजट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी लखनऊ की आयोजित करती है हमेशा, और इसमें सिर्फ टैक्सेशन पर ही चर्चा नहीं होती, एक इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया जाता है, जो कि इस बार अग्रवाल साहब आए थे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और सीनियर, और उन्होंने जो है वो इकोनॉमी पे क्या बजट का फर्क पड़ेगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस पर एक विस्तृत चर्चा की। इससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं और हम सबको एक जो है आगे विज़न मिलता है कि जो है अपने क्लाइंट्स को कैसे इसको गाइड कर सकें।